आज हम आए हैं सीकर जिले के दिनारपुरा गांव। यहां एक सुंदर ईश्वर सृष्टि को मूर्त रूप देने का सराहनीय प्रयास किया गया है। दिनारपुरा निवासी और बंबई प्रवासी श्री कमलेश जी पारिक ने यह सुंदर सी ईश्वर सृष्टि सजाई है। यह ईश्वर सृष्टि इनकी दूरदृष्टि की परिणति है। यह प्रकल्प सेठों और वीरों की भूमि सिखावटी के सीकर जिले के दिनारपुरा गांव में है। ईश्वर सृष्टि स्वस्थ मानव जीवन का पंचामृत है। ईश्वर ने यह सुंदर सृष्टि हम मनुष्य और सभी जीव जंतुओं के लिए तैयार की है। ये चांद सितारे, सूरज आकाश, शीतल पवन, लहलहाते सुंदर वृक्ष, गीत गुनगुनाते पक्षी और अनंत समुद्र और असीम पहाड़। आधुनिक युग का मनुष्य प्रकृति को बहुत साधारण और तुच्छ समझने लगा है। हो सकता है मेरी यह बात बुरी लगे, पर यह सबसे बड़ा सच है। आज ज्यादातर लोग अपना ज्यादातर समय टीवी और इंटरनेट चलाकर बिताते हैं। ज्यादातर ये घर के अंदर ही रहकर समय बिताते हैं। यही दुनिया की बड़ी बीमारी मानसिक तनाव को जन्म देती है। अपने काम के साथ साथ कुछ दिन के लिए हमें प्रकृति का भी आनंद लेना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही वह शक्ति है जो हमें इस संसार में सब कुछ प्रदान करती है। चाहे वह हमारा खाना हो या हमारा जीवन, प्रकृति में वह शक्ति होती है जो शरीर से कई बीमारियों को दूर कर देती है। हरियाली से मन का तनाव कम होता है और दिमाग को शांति मिलती है। प्रकृति ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अद्भुत उपहार है। साथ ही प्रकृति इतनी सुंदर है कि इसमें ऐसे ही कई महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो हमें खुशी और स्वस्थ जीवन प्रदान करती है। यह ईश्वर सृष्टि क्या है, आप जानना चाहेंगे? तो आइए मैं आपको बता देता हूं। इसके हरे भरे एवं 9 एकड़ के आंगन में जीवन को प्रकृति के अनुरूप बनाने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र है। मानव मन, मस्तिष्क तथा शरीर में संतुलन बनाने के लिए योग, प्राणायाम एवं साधना केंद्र है। सनातन पद्धति से ऑर्गेनिक खेती का दर्शन होता है। यहाँ गौशाला एवं गौसंवर्धन केंद्र है। यहाँ ऋषि संस्कृति को आधुनिक युग अनुसार विकसित करने के लिए वेद विद्या अध्ययन संस्थान प्रस्तावित है। आप यहां कैसे पहुंचेंगे, आइए मैं आपको बता देता हूं। सीकर रेलवे स्टेशन से यह 13 किलोमीटर की दूरी पर है। जयपुर रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 135 किलोमीटर है और जयपुर हवाई अड्डा यहां से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रकृति की गोद में बसा है ईश्वर सृष्टि। वीरों की वसुंधरा राजस्थान और इसमें बसा ईश्वर सृष्टि एक आदर्श प्रकल्प है। यहाँ की हरियाली, रोमांचित करने वाले पवन के झोंके, यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त, फूलों फलों के उद्यान, ऐसा लगता है मानो हम ईश्वर के बनाए किसी स्वर्ग में आ गए हों। यहाँ परम शांति एवं परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। शरीर, मन और आत्मा सभी को नई ताजगी मिल जाती है। ऐसा सुख महलों एवं शहरों में नहीं मिल सकता। यहाँ बार बार आने को मन करता है। मैं अपनी धर्म पत्नी और बेटे के साथ यहाँ आया हूँ। इसे ईश्वर सृष्टि मैं खो सा गया हूँ। यह यहाँ का भोजनालय है। रोगियों को, साधकों को शुद्ध सात्विक पौष्टिक भोजन दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के औषधीय काढ़े और रस रोगानुसार दिए जाते हैं।
सांसारिक सुख की खोज में हम प्रकृति का नुकसान करने से नहीं चूकते। हम व्यस्त हैं भोगों में, हमारे पास पक्षियों के गाने सुनने का समय नहीं है, बादलों को आसमान में घूमते देखने का वक्त नहीं है, तारों भरे आकाश को हम नहीं देखते। हमने अपना हृदय धन के देवताओं को बेच दिया है। भीतर की आंखें और कानों को खोले और आओ चले प्रकृति की ओर। यहाँ आवास सुविधाओं की बात करें तो साफ और स्वच्छ हवादार कमरे हैं। कमरों में एसी और कूलर उपलब्ध हैं। विभिन्न जरूरतों के लिए गर्म एवं ठंडे पानी की व्यवस्था है। आरामदायक बिस्तर एवं गद्दे हैं और साफ सुथरे और हाइजीनिक टॉयलेट्स हैं। यहाँ सुबह 4:30 बजे शुरू हो जाती है और सुबह 4:30 बजे से रात्र 9:30 तक की दिनचर्या निर्धारित होती है। सुबह उठने से लेकर योग, प्राणायाम, नाश्ता, दोपहर और शाम का भोजन, सुबह शाम की चिकित्सा, संकीर्तन, विश्राम, बातचीत और फिर लाइट्स ऑफ, सोना। यह यहाँ का रोज का कार्यक्रम निर्धारित होता है। टैरिफ की बात करें यानी खर्चे की बात करें तो यहाँ आपकी गुल्लक को तोड़ने की जरूरत नहीं होगी। बिना दबाव चिकित्सा प्रदान की जाती है। पंजीकरण शुल्क, मैं जब यहाँ कुछ महीने पहले आया था तो 100 रुपये और परामर्श शुल्क 200 रुपये था। फिर बहुत से पैकेजेज हैं जिसमें यहाँ आपका रहना, खाना, इलाज सब सम्मिलित है। यहाँ मैं इनका उल्लेख नहीं कर रहा क्योंकि समय समय पर इसमें बदलाव होने की संभावना हो सकती है। आपका जाने का जब मन हो तो फोन पर पूर्व जानकारी लेकर जाएं। प्राकृतिक चिकित्सा में यहाँ मसाज थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, मर्ड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, स्पाइनल बाथ, स्पाइनल स्प्रे, हिप बाथ, विसर्जन स्नान तो दिया ही जाता है और इसके अलावा यहाँ जाकूजी, हाथ और पैर का स्नान, शरीर पर भाप लेना, हाइड्रोथेरेपी, फिजियोथेरेपी आदि भी दी जाती है। इस ईश्वर सृष्टि में विभिन्न रोगों का इलाज किया जाता है। सिर्फ दिल के दौरे या दुर्घटनाओं जैसी आपात स्थितियों का इलाज छोड़कर सभी पुरानी बीमारियों का यहाँ इलाज होता है, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेस, सांस की बीमारियाँ, मस्कुलो स्केटल डिजीजेस, जीवन शैली विकार रोग यानी लाइफस्टाइल डिजीजेस, अंतःस्रावी रोग, कब्ज, गैस, पेट रोग, पेचिश, संवेदनशील आंत की बीमारी, कोलाइटिस आदि के अलावा और भी बहुत सी बीमारियों का यह इलाज किया जाता है। प्रकृति में मनुष्य का जितना महत्व है उतना ही जानवरों का भी है। जीव जंतु न हो तो पृथ्वी में जीवन असंभव है, इसलिए इनकी सुरक्षा भी उतने ही महत्वपूर्ण है। मानव शरीर खुद रोगों से लड़ने में सक्षम होता है, बस विधि का ज्ञान होना चाहिए। संसाधनों से
समृद्ध प्रकृति से निकटता के जरिए आप सेहतमंद रह सकते हैं। तनाव होने पर डॉक्टर भी तो आपको प्राकृतिक स्थल पर जाने की सलाह देते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा पंच महाभूतों मिट्टी पानी धूप हवा एवं आकाश पर आधारित है। यहां स्थापित गौशाला को नंदिनी गौशाला नाम दिया गया है। देसी गायों से प्राप्त दूध दही घी मक्खन आदि के सेवन से शरीर में नई ऊर्जा एवं शांति का एवं शक्ति का निर्माण होता है। गौशाला से प्राप्त गोबर से जैविक खेती की जाती है। आहार विहार योग आयुर्वेद के संगम से अल्प समय में ही रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। घर घर गौ माता अमृतमयी धरती माता और आओ चले प्रकृति की ओर इस संस्थान का नारा है। कई महीनों पहले मैं यहाँ आया था और तभी ये वीडियो शूट किया था, कारणवश विलंब से अपलोड किया है। आज गौ माता लंपी जैसी महाबीमारी से ग्रसित है, लाचार विवश और दुखी है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है इस महामारी से हमारी गौ माता की रक्षा करे। यथासंभव यथाशक्ति हम सभी को गौ माता के लिए आगे आना चाहिए। मित्रों रिश्तेदारों को भी साथ लेना चाहिए और जिस गौ माता ने हमें इतना कुछ दिया उसके लिए कुछ नहीं तो कुछ भी करना हमारा फर्ज बनता है ना। संस्थान अपने स्तर पर बचाव कार्य कर रहे हैं, इसमें हमारी भी तो भागीदारी जरूर होनी चाहिए।